नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएट लिमिटेड के ऊपर, जो टायर बनाने वाली एक कंपनी और ये बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी भी है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कंपनी का 31% मार्केट शेयर है इंडियन टायर मार्केट में। सबसे पहले इस कंपनी का वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 5,536 करोड़ रुपीज़, और इसका जो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 12, और इसी कंपनी के मीडियन पीई है 16। सो ये कंपनी अपना मीडियन पीई से नीचे है, मतलब ये कुछ हद तक सस्ता है। और हम अगर देखें ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पी रेशियो या फिर इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो है 20, तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अपना वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका बुक वैल्यू है 820 और करेंट प्राइस है 1369। तो इसका जो करेंट प्राइस है वो बुक वैल्यू का 2 times भी नहीं है दोस्तों, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है ये स्टॉक। उसके बाद हम चलिए देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.45, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, ये डिसेंट सा है। और ROC और ROCE भी काफ़ी डिसेंट है। प्रोमोटर होल्डिंग 46.8%, FIS का 27% स्टेक है और DIS का 13.6% स्टेक है। दोस्तों, सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं एक बार क्वार्टरली रिजल्ट को, और हम देख सकते हैं कि मार्च जो क्वार्टर था इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसमें इनका जो सेल्स ग्रोथ हुआ है 2221 से 2290 करोड़ तक उनका जो सेल है यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखा गया, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही हमें दिख रहा है, क्योंकि देखिए लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है दोस्तों। और इनका जो अर्निंग पर शेयर EPS है वो भी काफ़ी जो इंक्रीजिंग मोड में हमें दिख रहा है। डेफिनेटली जून का जो क्वार्टर था 2020 में, उसमें हमें नेगेटिव देखने को मिला क्योंकि ये कोविड का इम्पैक्ट था, लेकिन अब फिलहाल इसका जो EPS है वो एक इंक्रीजिंग मोड में हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, और इसमें देखिए 2010 से 2021 तक जो ईयरली सेल्स है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे अराउंड 3 times यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और EPS भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब लास्ट 10 years में 2 times EPS का इंक्रीमेंट हुआ। डेफिनेटली इसका जो फाइनेंशियल है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर हम कुछ अलग कंपनीज के साथ हम इसको कंपेयर करें, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा सही है। और इसका डिविडेंड पे आउट भी टाइम के साथ इंक्रीमेंट होता हुआ हमें दिख रहा है, मतलब डिविडेंड पे आउट हमें इंक्रीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है डिविडेंड पे आउट्स में दोस्तों। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका जो टोटल एसेट्स है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। पिछले 10 साल में इनका जो टोटल एसेट है वो अराउंड 4 times इंक्रीज हुआ है दोस्तों, और इनका जो टोटल रिजर्व है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है, और इनका जो लाइबिलिटीज़ है वो भी इंक्रीज हो। डेफिनेटली कंपनी का जो लाइबिलिटीज या फिर एसेट्स हो ये टाइम के साथ इंक्रीमेंट होता ही है, और इसमें भी हो रहा है दोस्तों। डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते कि इसका फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। अगर हम इसको इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो इसका जो पीयर्स है वो MRF है, अपोलो टायर्स है, JK टायर है, TBS का कंपनी है, बालकृष्ण इंडस्ट्री है। लेकिन एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो है इसका वैल्यूएशन। इसका पीयर्स में सबसे कम वैल्यूएशन अगर है तो ये CA टायर का ही है, और आप देख सकते हैं जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 11.97 है, और ये JK टायर्स का भी 11.41 है, पर ये काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे कि MRF का करंट जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 27.28%, अपोलो टायर्स का 21.22%। सो उनके कंपेरिजन में CA टायर्स का जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा सस्ता दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिख रहा है कुछ इस तरह का। प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो जून 2018 में 50% था, और अभी ये 46.82% डिक्रीज किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात दोस्तों नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है, प्रोमोटर अपना स्टेक डिक्रीज करता है फंड रेजिंग के लिए,
करता है, और वो फंड कंपनी का जो डेवलपमेंट में यूज होता है। तो कभी कभी प्रोमोटर को जो स्टेक डिक्रीज होता है, ये कभी कभी हम पॉजिटिव काउंट कर सकते हैं अगर इनका जो यूज़ है वो सही काम में इस्तेमाल हुआ हो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है इसमें लगातार इंक्रीज हो रहा है। जून 2018 में इसका 20.22 था परसेंट, और अभी ये 26.97% तक पहुंच गया है दोस्तों। और DIIs ने भी अपने स्टेक को यहाँ पे इंक्रीज किया है लास्ट कुछ ये सालों में। गवर्नमेंट ने डाइल्यूट किया है, और पब्लिक के पास भी इसका जो स्टेक है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता दिख रहा है, पता नहीं क्यों। पर जो FIIs और DIIs है वो हाईली इंटरेस्टेड है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस किया है, तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और बहुत दिनों से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन का फेज से गुजरा है। तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेज आने का एक चांसेस है, और साथ ही आप देख सकते हैं ये COVID-19 पेंडेमिक की वजह से भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बूस्ट आ सकता है। क्यों दोस्तों हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जा रहा है, और इसीलिए जो लोग पहले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते थे वो अगर एफोर्ड कर पाते हैं तो आज अभी का टाइम में वो अपना पर्सनल कार या फिर बाइक लेना प्रीफर करेंगे, क्योंकि जिससे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, और कभी भी ज़रूरत पड़े ऐसा इमरजेंसी टाइम में जब जैसे कि ये अभी पेंडेमिक में बहुत सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था दोस्तों। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर टू व्हीलर्स हो या फिर फोर व्हीलर्स हो, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने का जो चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अब इसका टेक्निकल चार्ट्स को, चार्ट पैटर्न को देखते हैं, और उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे दोस्तों। हम आ गए हैं CEAT लिमिटेड का जो चार्ट है इसमें, और आप देख सकते हैं इसने जो रिसेंट जो हाई बनाया था वो 1742 का है, और इसका जो करंट प्राइस है वो है 1371 का दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें RSI, तो RSI अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और साथ ही साथ MACD जो है वो 60 को क्रॉस करने वाला है दोस्तों। तो डेफिनेटली MACD अगर 60 को क्रॉस करता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खरीदारी होने का चांसेस है, क्योंकि ये स्टॉक फिर से स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, और ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड एक दिखा रहा है ये अपना जो 52 वीक हाई है या फिर ऑल टाइम हाई है उसको टच करने का जो राह है उसमें ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है दोस्तों। तो इसका वैल्यूएशन और सारे चीज़ें बहुत ही अच्छा है, और इसका जैसे कि मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी कम टाइम के अंदर ही ये अपना जो ऑल टाइम हाई है इसको फिर से ले पहुँच जाएगा, और इसका ऑल टाइम हाई है अराउंड 1600 और 70 के आसपास, और ये बहुत जल्दी पहुंचने वाला है दोस्तों। और साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूम करने वाला है इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, तो ये जो CEAT टायर्स लिमिटेड है इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए।